नमस्कार दोस्तों, काफी लंबी समय के बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं। और जब स्टार्ट किए थे हम यूट्यूब चैनल, तो सबसे पहला जो चैप्टर दिए थे प्रीपोजिशन का, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर प्रीपोजिशन बहुत हाई हो गया, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया जाए। तो हमको लगता है कि बिल्कुल हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, और अल्फाबेट से बेसिक तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले अल्फाबेट सीखना होता है। तो अल्फाबेट के बारे में आप लोग बहुत कुछ पहले से जानते भी होंगे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम बहुत कुछ आपको ऐसा कुछ बताएंगे जो कि आप उस पर कभी नहीं सोचे होंगे, और जो आपको लगा होगा कि ये जानना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि अल्फाबेट एक्चुअल में होता क्या है। अल्फाबेट हर लैंग्वेज का अपना अपना अलग अलग होता है। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो इंग्लिश अल्फाबेट की बात करेंगे। तो अल्फाबेट एक्चुअल में ए सेट ऑफ लेटर्स होता है, सेट ऑफ लेटर्स होता है जिसका यूज हम लोग किसी भी लैंग्वेज को लिखने में करते हैं। याद रखिएगा कि लेटर्स का यूज कभी भी बोलने में नहीं होता है। इस चीज को हम लोग को हमेशा दिमाग में रखनी है कि कोई भी अल्फाबेट, कोई भी लैंग्वेज का अल्फाबेट जो कि एक सेट ऑफ लेटर्स होता है, जो कि एक स्पेशली जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो एबीसीडी के क्रम में वो लिखा हुआ रहता है, ए टू जेड। उसी तरह से हिंदी अल्फाबेट है, बंगला का अल्फाबेट है। तो ये जो अल्फाबेट होता है इसका यूज हम लोग लैंग्वेज को लिखने में करते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हम लोग अल्फाबेट को यूज बोलने में नहीं करते हैं। हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? साउंड का, साउंड्स का यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग फोनीम भी कहते हैं। इसी का यूज हम लोग बोलने में करते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें, तो इसमें लेटर्स जो है वो 26 है, आप सभी जानते हैं ए टू जेड। लेकिन अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में साउंड की बात करें तो ये 44 है। और इस चीज को हमको बढ़िया से समझना होगा। हम जो लिखते हैं अल्फाबेट यानी लेटर्स क्या हुआ, व्हाट वी राइट, हम जो लिखते हैं वो लेटर्स है और हम जो बोलते हैं वो साउंड है। तो जैसे आप लिखते, एग्जाम्पल मैं देख आपको समझा रहा हूं, जैसे आप लिखे ए, तो इसको आप लिखे, लेकिन जब आप इसको लिखे और बोले तो क्या बोले, ए, ये लेटर हुआ, ये साउंड हुआ। फिर एग्जाम्पल लीजिए सी, यहां पे आप देख लीजिए ये एक लेटर है, लेकिन इस एक लेटर को बोलने के लिए मुझे दो साउंड की जरूरत हुई, ठीक है। डी, एफ, एक लेटर है लेकिन इसको बोलने के लिए हमको दो साउंड की जरूरत हुई। तो जो हम लिखते हैं वो लेटर है और जो बोलते हैं वो साउंड है। आप बोलेंगे कि सर इसको भी तो आप लिख ही दिए तो फिर ये कैसे लेटर नहीं हुआ। तो एक्चुअल में ये हिंदी की नजर से अगर हम देखें तो ये जरूर अल्फाबेट हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश की नजर से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, साउंड है, जिसको कि हमने एक लेटर से इंडिकेट किया है, लेकिन बेसिकली ये साउंड हो गया और ये लेटर हो गया। तो इंग्लिश अल्फाबेट का जनरली आप देखेंगे तो जो स्टार्ट हुआ था वो 7th सेंचुरी में, लगभग 7वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। मॉडर्न जो अभी चल रहा है इसमें 26 लेटर्स हैं, और ये जो लेटर्स हैं ये आप लोगों को पता होगा इसमें तीन टाइप के लेटर्स हैं, वोवेल लेटर्स, सेमी वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, उसी तरह से, ठीक इसी तरह से साउंड भी तीन टाइप का होता है, वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन सेमी वोवेल साउंड नहीं होता है, उसको हम लोग डिफथंग्स कहते हैं। तो साउंड के बारे में ज्यादातर आप जो, अगर आप लोग कहीं पे स्पोकन इंग्लिश सीखते होंगे तो वो सर आपको जरूर बताते होंगे इस चीज के बारे में, और इनके अगर नहीं बताते होंगे तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो जरूर आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आपको साउंड्स का जानकारी नहीं रहेगी तो आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो अभी जो कि हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग लेटर्स की बात करेंगे। लेटर्स जिसमें कि आपको पता ही है कि वोवेल लेटर्स पांच होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन ये ख्याल रखिएगा हमेशा कि ये ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल लेटर्स है, वोवेल साउंड नहीं है। बहुत
बड़ा फर्क पड़ेगा अगर इस चीज को आप भूल जाएंगे तो, या इस चीज को अगर याद रखेंगे तो भी आपके नॉलेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कभी भी जब कभी भी हम लोग कुछ भी सीखते हैं वोवेल कंसोनेंट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो आप याद रखिएगा लेटर कभी मायने नहीं रखता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि जैसे यूनिक है और एग है, और एक एग्जांपल ले लीजिए बुक, तो आप बोलते हैं ए बुक एन एग ए यूनिक मैन। तो ये यहां पे देखिए कि ये वोवेल लेटर है, ये भी वोवेल लेटर है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन हमने यहां पे ए क्यों यूज किया? क्योंकि हमको लेटर से कोई मतलब नहीं है, हमको हमेशा मतलब है साउंड से। तो हमने यहां पे देखा यूनिक य साउंड आया, और य साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसके पहले ए आया। तो लेटर कभी भी कुछ भी हम लोग कोई भी रूल सीखते हैं उसमें कभी भी लेटर मायने नहीं रखेगा। तो वोवेल लेटर हम लोग उस लेटर्स को कहेंगे जिसका जब हम लोग साउंड निकालते हैं, यानी कि जब उसका हम प्रोनंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें किसी दूसरे लेटर की मदद की जरूरत हमके नहीं होती है। जैसे आप ए बोलिए तो ए, आप अगर कितना भी लंबा खींचेंगे, अगर कोई आपको सुनेगा, लास्ट में भी आपको सुनेगा, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि आप ए पढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप बोलिए बी, तो इसमें क्या होगा कि जो लास्ट में आपको सुनेगा उसको लगेगा कि आप ई बोल रहे हैं, क्योंकि बी तो बी बहुत पहले ही खत्म हो गया, ई लंबा चलेगा। यही फर्क होता है एक्चुअल में वोवेल में और कॉन्सोनेंट में, क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर्स उस लेटर्स को हम लोग कहते हैं जिसमें कि हमको वोवेल लेटर्स की जरूरत पड़ती है प्रोनंसिएशन के लिए। सेमी वोवेल लेटर को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत होती है। इसमें देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जानकारी इसकी नहीं होती है। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, ये सभी हम लोग जानते हैं। सेमी मतलब आधा हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये सर्किल है, अब इसका जो ये आधा हो गया तो सेमी सर्किल हो गया। हम लोग सेमी फाइनल मैच भी खेलते हैं, यानी कि मैच का आधा, यानी पहला आधा फैसला आपका हो गया कि आप जीतेंगे या हारेंगे, इसका आधा फैसला हो गया, दैट इज सेमी। तो सेमी वोवेल का मतलब हो गया कि आधा वोवेल। तो आधा वोवेल अगर है कोई भी चीज, कोई भी लेटर अगर आधा वोवेल है, इसका मतलब आधा हो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। तो इसमें दो लेटर आता है, W और Y, और ये हम लोग को सीखना है। ये जो W और Y है, ये सेमी वोवेल है, इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ने पर ये कभी वोवेल भी हो सकता है, जरूरत पड़ने पर ये कभी कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, जरूरत पड़ने पर ये वोवेल भी हो सकता है, जरूरत पड़ने पर ये कॉन्सोनेंट भी है। चूंकि वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको सेमी वोवेल लेटर कहते हैं। अब हम लोग को ये सीखने की जरूरत है कि W और Y कब वोवेल होता है और कब कॉन्सोनेंट होता है। जैसे W है, इसका दो साउंड होता है, एक व और एक उ या फिर ओ। Y का भी दो साउंड होता है, एक य और एक ई। जब कभी भी W व साउंड देगा तो आपको मान लेना है कि वो कॉन्सोनेंट है, और जब कभी भी ओ या ऊ का साउंड देगा तो आपको मान लेना है कि ये वोवेल है। Y जब य साउंड देगा तो आपको मान लेना है कि ये कॉन्सोनेंट है, और Y अगर ई का साउंड देगा तो आपको मान लेना है कि ये वोवेल है। जैसे मैं लिख रहा हूं यस्टरडे, टुमारो, टू, यस, बेबी, वॉटर। अब आप देख लीजिए कि जिससे कि W है, तो यहां पे जो W है वो कौन सा साउंड दे रहा है, वो या ऊ या ओ, तो पता चलेगा कि वाटर, वाटर यानी कि व साउंड दे रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि वाटर में W क्या है, तो आपको बोलना है कि वाटर में W कॉन्सोनेंट है, लेकिन टुमारो में W जो है वो ओ साउंड दे रहा है, तो टुमारो में W क्या हो गया, वोवेल हो गया। फिर जैसे बेबी में Y जो है वो ई साउंड दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बेबी में Y जो है वो वोवेल है। यस, य साउंड दे रहा है, इसका मतलब यस में वाई जो है वो कॉन्सोनेंट है। ये हम लोग को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए।
इन चीजों को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ये कंप्लीट बेसिक है, और आप विश्वास कीजिए कि इसके आधार पर आप बहुत सारे ऐसे रूल है, जैसे आर्टिकल्स के कुछ रूल है, कुछ वर्ब्स के रूल है, उसको आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसको लाइटली नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी हम आपको अगले वीडियो में